हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। आपके सामने हाजिर हूँ। आपसे वादा किया था कि वीकली एनालिसिस में हम जो बाकी पेयर हैं उनको भी करेंगे। आज अभी पहला पेयर हम कर रहे हैं ऑजी JPY, ठीक है। गोल्ड भी करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। पहले ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। और JPY बाय के अंदर है। डेली अगर हम इसका देखें तो हमें मंथली अगर चेक करें, ऑल टाइम हाई पे नहीं है लेकिन एक रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे हम जरा बाय देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेल वैल्यू गैप मौजूद है, हमारे पास एक अच्छी जो है वो डिमांड भी मौजूद है। 15 मिनट में हम जरा इसको देख लें। 15 मिनट में हमें यहाँ पर दिख रही है एक अच्छी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये हमारे पास इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है। 102.40, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि हमें यहां से ये जो कैप है फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा इम्बैलेंस, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसका जो टारगेट रहेगा हमारा ये वाला रहेगा 103.49, ठीक है। और मार्केट काफ़ी ज़्यादा शेकी है और अप एंड डाउन हो रही है। आप कैडेंस के बिहेवियर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मार्केट एकदम जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती है, तो आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। और USD बाय के अंदर है, कंफर्म कर लेते हैं। डेली में जाते हैं, नहीं डेली के अंदर ये बाय में नहीं है, रेंजिंग पीरियड में चल रहा। H4 में भी नहीं है, H1 के अंदर यकीन बाय के अंदर है बिल्कुल। लोअर हाई ब्रेक ऑफ लोअर लो, देन हाई हाई हायर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो, और अब यकीन है ना एक और हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर रही है इस जगह पर, ठीक है। सेल यहाँ जब तक शुरू नहीं होगी जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सेंटिमेंट जो है इसके हाई है। अगर कोई न्यूज नहीं होगी तो यकीनन हम बाय के अंदर ही रहेंगे। हमारे पास यहाँ पे बाय के अंदर क्या मौजूद है, ये वाला एरिया मौजूद है। मार्केट ने लास्ट इसको लिक्विडेट किया है, इस एरिया को भी किया है और इस एरिया को भी किया है, ठीक है। हम इसको फुल पूरे एरिया को इसको मार्क कर सकते हैं। 15 मिनट में जाते हैं, हमें एक कैंडल भी मिल जाए तो एक अच्छी बात है। तीस मिनट में चेक करें तो लास्ट कैंडल हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। जीरो पॉइंट सिक्स फाइव 700, ठीक है। और सेल जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इसके नीचे मार्केट H1 क्लोज करती है। अगर इसी तरीके से कैंडल मार्केट क्लोज करती है 0.65956, तो इसके रीटेस्ट में यहां तक, सिर्फ यहां तक हम इसको
सेल भी कर सकते हैं, लेकिन काफी रिस्की रहेगा, सेंटीमेंट के अगेंस्ट रहेगा और ट्रेंड के भी अगेंस्ट रहेगा। तो जरा आपने ध्यान से सिर्फ 15 या 30 मिनट के अंदर आपने क्विक इन एंड आउट एंट्री आपने यहाँ पर लेनी है अगर सेल की तरफ इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे यूरो देख लेते हैं, सेल में है, कंफर्म कर लेते हैं। यस, ओवरऑल तो सेल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है H1 में तो कंफर्म जो है सेल है। यहाँ पे बस हम एक देख लें यहाँ पर क्या मिल रहा है। एक एरिया हमारे पास यहाँ पे हर्डल मौजूद है, ₹1.61992, ठीक है। यहाँ तक के लिए हम फ्री हैं, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे हम बाय करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा सेंटिमेंट जो है वो हाई रहता है, इनकेस हमारा सेंटिमेंट यहाँ पे जो है वो बाय की तरफ चले जाता है, तो हम इस डिमांड एरिया को कंफर्म भी करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट फॉर दी रिफाइंड पर्पस अंटिल वी गेट दिस सेंटिमेंट इन फेवर, ठीक है। तब तक हमारे फेवर में यानी बाय के फेवर में सेंटिमेंट नहीं आता, तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। फिलहाल ये टारगेट के लिए हम रख रहे हैं, टारगेट होगा हमारा सेल। सेल यहाँ पे कहाँ हो सकती है, इस जगह पर हो सकती है। बिल्कुल फ्रेश एरिया है, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है, मार्केट इसको यकीनन टारगेट करेगी। तो ये एरिया रहेगा हमारा 1.63887, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम इसको आराम से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस लो जो भी जो मैंने आपको रूल बताया था, प्रीवियस लो, ये भी प्रीवियस लो होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक किए बगैर ऊपर की तरफ चली जाती है, ये भी प्रीवियस लो होगा, ठीक है। तो दोनों तीनों आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे आप आउट हो सकते हैं, ठीक है। यूरो JPY भी कर लेते हैं, ये भी यकीनन बाय के अंदर होगा, JPY फुल बाय के अंदर है, ये तो हमें यहाँ पे डेली में ही दिख जाएगा। JPY तकरीबन ज्यादातर जो है ये बाय के अंदर ही रहते हैं। H1 न्यूज कैंडल है, इसको ज्यादा हम गौर नहीं करेंगे। यहाँ पे सेलिंग जो है इसके बाद होगी, लेकिन बाइंग हम यहाँ पे कहाँ से करेंगे, ये जरा हम देखना, मैं स्ट्रक्चर देखूँ पहले। ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। सही है, हम इसी को मार करेंगे आप, इसी एरिया को टेस्टेड एरिया है, लेकिन हम हमारा जो टारगेट है वो स्ट्रक्चर को टारगेट करना है। यहाँ पे हो क्या सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगेन आप यहाँ तक सेल आउट कर सकते हैं, रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट बाय के अंदर है। यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गैप मौजूद है और यहाँ से मार्केट यूँ आ सकती है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है तब तो यहाँ से फॉर श्योर आराम से बगैर किसी प्रॉब्लम के आप बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर देता हूँ,
एयर वैल्यू किया, ठीक है। सेलिंग का मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, ये न्यूज कैंडल है, इसको हम वैसे भी नहीं कहेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला हाई रहेगा, ठीक है। यूरो यूएसडी अगेन कल जैसा हमने बात की थी सेम है, बाय के अंदर है यहाँ पर। हमने आई थिंक इसमें दूसरे ब्रोकर में बात भी की थी, यस के किनारे हमने यहाँ पर बात की थी इस एरिया की कि मार्केट यहाँ से भी मजीद बाय में जा सकती है 1.0750, इसको भी आप लोग जहन में रख लें। और इस वाले सेटअप को भी आप लोग जहन में रख लें, 1.07014, ठीक है, एज इट इज रहेगा। ये भी वाई देख लेते हैं, इसमें भी सेम ही है, बाय के अंदर है, मार्केट कंफर्म कर लेते हैं। जेपी वाई एक मिनट बाय में है, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर अगेन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरिया मौजूद नहीं है। एरिया है यहाँ पर इसके नीचे, ठीक है। मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया, इस डिमांड को वैल्यू दी, लिक्विडेशन यहां से मार्केट की खत्म हो गई। शेडो को मार्क करेंगे, शेडो हमने आज भी बहुत पहले भी मार्क किया है और ये वर्क हमारा बहुत अच्छे से किया है मार्केट ने इसको, ठीक है। तो इसके अंदर सेल में कोई चांसेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सेल को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। रिस्की सेल जरूर है, लेकिन मैं आपको पता है, मैं नहीं बता रहा। 193.22 एज इट इज, यहीं तक का वेट करेंगे, मार्केट यहाँ तक आए तो हम इसको यहाँ पर आराम से सेल आउट कर सकते हैं सेंटिमेंट को देखते हुए। जीबीबी यूएसडी खुल गया भाई, खुल गया, इसने भी हमने कल बात की थी, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये तो हमने कल ही किया था, मार्केट ने कोई इस पर ज्यादा मूव नहीं किया। हाँ एक ही रन इस लिक्विडिटी को मार्केट ने कैच किया है, इसको हम हटा देते हैं। इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पर बना दिया, यानी हमने जो एरिया नीचे मार्क किया है उसकी वैल्यू जो है बढ़ चुकी है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट इसमें नीचे की तरफ आ सकती है, तो इसका आपने बस ख्याल रखना, बाकी इस एरिया को आप मार्क करके रखें 1.24831, ठीक है। टारगेट वही सेम रहेगा हमारा प्रीवियस हाई, अगेन मार्केट इसमें बाय के अंदर ही है। गोल्ड के देखें, गोल्ड के सेंटीमेंट क्या रहे हैं, सही है, बाय के अंदर है, 20% का है इसके अंदर लेवरेज। खुल जा भाई, खुल जा, वीकेंड में पता नहीं क्या हो जाता, कल भी पूरा जो नेट है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड था, वीपीएन के ऊपर चल रहा था, 9 मई को तो वैसे ही बनता, उसमें वीपीएन के ऊपर चल रहा था,
लिया। नेट तो ओके है, इसके सर्वर में प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग यूजर ठीक है यहाँ पर हम हो गए। अच्छा हमने कल यहाँ पर ये लेवल मार्क किए थे मैक्स में लेवल के, यहीं पर हमने यहाँ पर 15 मिनट में एरिया मार्क किया था ठीक है। 2338.214 ठीक है, इसमें मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, एक यहाँ पर बस ये बनाया है। यहाँ पर मैं सेल के लिए आपको बता सकता हूँ, मार्केट इसको नीचे की तरफ H1 में ब्रेक करेगी इस तरह से कैंडल से, तो यहाँ पे एक रिस्की सेल जो मैं नहीं कहूँगा आप ले सकते हैं रीटेस्ट के ऊपर ठीक है। बाकी एरिया सेम रहेगा, कोई इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ पे हमने सेल भी मार्क की थी ऊपर 2397 ठीक है। तो हमारा वीकली एनालिसिस आज का यही है, तो आपसे जो है मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। कल क्रिप्टो या फिर क्या कहते हैं क्रिप्टो तो खैर मैं करूँगा, कल इंडेक्सेस भी जो है कर लेंगे इतवार वाले दिन ठीक है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।